अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फायज़ा व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम लोग बना रहे हैं आज आलू बैंगन की सब्ज़ी, जिसको बनाने के लिए मैंने आलू लिए हैं 2 आदद दरमियाना साइज़ के। इसको थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा। बैंगन मैंने लिए हैं 1/2 किलो, मैंने इसके छिलका उतार लिया है, ठीक है। और इसको कद्दूकस कर लिया, मतलब बारीक बारीक कट कर लिया है। फिर उसके अलावा प्याज लेंगे 1 अदद बड़ा। उसके अलावा टमाटर लेंगे 1 अदद दरमियाना साइज़ का। ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसके अंदर हल्दी भी डाल दी है, ठीक है, 1 चम्मच। उसके अलावा ये सारा मसाला है, इसके अंदर मैंने जो है सारा पिसा हुआ मसाला लिया, ठीक है। ज़ीरा, धनिया और 1/2 चम्मच लाल मिर्च। इसके अलावा मेरे पास एक सब्ज़ी मसाला होता है, वो भी मैंने डाला है। 1/2 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच, आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा है हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निशिंग करने के लिए। तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मैं इसमें लूँगी तेल 1 चम्मच, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। और अब डाल दूँगी मैं इसमें ऑनियन, इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा नमक मैंने पहले मसाले में डाला हुआ था और थोड़ा इसके साथ डाल दिया, ठीक है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का पिंक होने लग गया है। जैसे इसको 1-2 सेकंड के लिए और मैं पिंक होने दूंगी, मतलब कलर आने लग जाए, तो ये मैं डालूंगी लहसुन अदरक, ठीक है। तो मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसको फ्राई करूंगी ताकि इसका कच्चापना खत्म हो जाए। लहसुन अदरक का जो कच्चापना होता है, फिर उसकी वजह से सब्जी में स्मेल भी आती है, बट नीचे मत लगने दो, तो चलाते रहो, ठीक है। अभी ये ब्राउन होना शुरू हो गया, तो इसको थोड़ा मैं ब्राउन होने दूंगी, ठीक है। ये होना शुरू हो गया ब्राउन, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हो इसका येलो कलर इसलिए होता है, मैंने बताया ना हम हल्दी कूट के डालते हैं, तो इसलिए येलो कलर हो जाता है, और कोई बात नहीं है। अभी मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, ठीक है। डालूंगी ये सारा मसाला जो मिक्स था, ठीक है। आप लोग मसाला कम या ज्यादा भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने बोला हम लोग जरा नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं इसीलिए। और अभी इसमें मैं डालूंगी पानी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, ठीक है। थोड़ा धीमी आंच करूंगी और इसको 1-2 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी, ठीक है। ये अच्छे से भून गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और भूनेंगे ताकि टमाटर गल जाए। साथ में डाल देंगे हम आलू ताकि आलू भी फ्राई हो जाए। ये हो गए जी भुन गए अच्छे से, ठीक है। तो इसमें मैं आलू गलाने के लिए डाल दूंगी पानी, ओके, 1/2 कप पानी डाल के अभी हम इसको दे देंगे लीड। अभी मैं लो फ्लेम कर दूंगी, ठीक है, 5 मिनट के लिए। जितनी देर में आलू गल रहा है उतनी देर के लिए आप लो फ्लेम रखो, चेक करना बीच में, और लीड दे दूंगी, ठीक है। आलू देख सकते हैं गल गए हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बैंगन,
मैंने बैंगन बॉईल किए थे, अगर आप लोग चाहो तो वैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको चम्मच चलाएंगे, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसमें डाल देंगे जी धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई, ठीक है। ये धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसको मिक्सअप करेंगे, ठीक है। कभी भी धनिया डाल के उसके ऊपर कभी भी कैप मत दो, मतलब लीड मत दो, वरना धनिया काला हो जाता है। डाल के मिक्स करके अगर आप लीड दोगे तो कभी भी काला नहीं होगा, ठीक है जी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, हमारे आलू बैंगन रेडी हैं। ओके, हाँ जी, अभी हमारे आलू बैंगन बनके तैयार हो गए हैं, गर्म गर्म में सर्व कर दिया। आप इसको रोटी के साथ और चावल के साथ खा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ़ायज़ा व्लॉग्स।